राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल मॉर्निंग से। सुबह बच्चों के स्कूल की तैयारी चल रही है। बच्चे अभी निलास तो उठा नहीं है, लेकिन माँ ही उठ गई है और अपने स्कूल की तैयारी ही कर रही है। तो मैं भी उनके लंच की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले चाय भी रख देती हूँ, फिर सब्जी काटते रहूँगी। आज बना रही हूँ सब्जी में आलू बीन्स की सब्जी, जो बच्चों दोनों बच्चों को पसंद है। और साथ में बनाऊंगी रोटी, कभी कभार बच्चों को पराठा भी दे देती हूँ मैं। और माही का तो मिनी लंच भी तैयार करना है, तो उसके लिए मिनी ब्रेक में रखूँगी आज खीरा काट करके, क्योंकि रोटी सब्जी बनाने में टाइम लग जाएगा। और वो ना आजकल एक घंटा पहले भी जा रही है, 6 बजे वो घर से निकल जाती है, तो इतनी जल्दी ना रोटी सब्जी और साथ में कुछ हल्का फुल्का हेल्दी फूड देना होता है, तो वो बन नहीं पाता है। तो यहाँ पर अभी सब्ज़ी भी मैंने काट ली है, तो सब्ज़ी फटाफट से छोंक दूँगी और फिर गूँध रही हूँ मैं आटा। सब्ज़ी अगर पूरी बन जाए ना तो बाद के लिए भी ठीक होता है। और बाद में आज हमने पूरी सब्ज़ी बना ली है, तो आज बाद में मुझे अपने लिए दोबारा से सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। कभी ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को पराठा सुबह सुबह पराठा वगैरह दे देते हैं, या कभी आलू फ्राई करके दे देते हैं, तो उसके बाद ना फिर हमें अपने लिए सब्ज़ी तो बनानी ही पड़ती है। तो आज ना मैंने पूरा आटा भी पूरा लगा दिया है और सब्ज़ी भी पूरी बना दी है। बस रोटी सिर्फ दो बच्चों के लिए ही बनाई है, तो निलास के लिए भी रोटी बना के रख दी है और माही को का तो लंच पैक भी कर दिया है। मिनी ब्रेक में मैंने रखा है आज उसके लिए सैलेड काट करके, तो उसी को खा लेगी और बाद में लंच कर लेगी अपना। तो अभी देखती हूँ वो कितना रेडी हुई है। चोटी वगैरह तो मैंने बना करके भेज दिया था, वैसे तो पूरा रेडी हो चुकी होगी और बस थोड़ा बहुत जितना रह गया होगा वही देख रही होगी। तो बस अब उसके रिक्शे वाले अंकल भी आते ही होंगे, तो माही तो जाएगी अब स्कूल और मैं भी अपना बाकी का काम देख लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे दोपहर में, और मैं जा रही हूँ निलास को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया है आने का। और आज तो उसको स्कूल भेजते समय ना मुझे समझ नहीं आया था भेजूँ या नहीं भेजूँ, क्योंकि कल उसको लूज मोशन थे, लेकिन आज ठीक था। सुबह कल शाम से ही उसको दवाई वगैरह दे दी थी तो ठीक था, तो मैंने कहा चलो छुट्टी करा के क्या फ़ायदा, भेज ही देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा मन में रहता है ना कैसा होगा, पेट दर्द तो नहीं हो रहा होगा, फिर पेट सही होगा या नहीं। लेकिन मैंने सुबह उसको स्कूल भेजने के बाद उसकी मैम को बोल दिया था कॉल करके कि देख लेना, ध्यान देना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर देना। तो मैम का तो कॉल नहीं आया, तो शायद से ठीक ही होगा। चलो उसको लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या हाल चाल हो रहे हैं नीलाक्ष के। और लंच मैंने बना दिया है दिन का, तो बस अब नीलाक्ष आ जाएगा तो उसके बाद करेंगे हम लंच। और सुबह से ये दोपहर का टाइम कैसे हो जाता है ना। लेकिन आज मेरा काम बहुत जल्दी निपट गया था और मैं ना दिन में थोड़ा सा लेट भी गई थी, आज मैंने काफ़ी आराम किया क्योंकि सुबह सुबह ही मेरा सारा काम निपट चुका था। तो फिर सीधे उठी, दिन का लंच बनाया और बस नीलाक्ष को लेने ही जा रही हूँ अब। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, निलाक्ष को ले आती हूँ, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी आ चुका है निलाक्ष स्कूल से और यहीं पर इसको कपड़े चेंज कराए और यहीं पर बैठ गया। क्या लेके बैठा है, स्टेपलर? क्या करेगा इससे? चलो फिर आप लंच करोगे। और कैसा रहा स्कूल में? अच्छा। पेट दर्द तो नहीं हुआ? थोड़ा हुआ जाते समय। हुआ था थोड़ा? और फिर जब लंच हो गया ना, फिर हुआ। लंच के बाद? लंच हमारा 1 बजे हुआ था। अच्छा, खाना गया हुआ ना पेट में, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, अभी टाइम तो लगेगा थोड़ा सा ठीक होने में, है ना। और वैसे ज़्यादा नहीं हुआ ना? ज़्यादा नहीं हुआ। चलो फिर अभी ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, लंच कर लो, फिर उसके बाद लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना, ठीक है। आज मैम को बोल दूँगी थोड़ा आराम से आएगा नीलाक्ष, आज थोड़ा लेट चले जाना, है ना।
फिर परसों से जो मैम ने टाइम बताया है उस टाइम से जाएगा, परसों से, कल तो संडे है ना। हाँ। चलो फिर लंच कर ले, भूख लगी है लग रखी है वो। चल फिर चलो, टीशर्ट नीचे करो। आज है सैटरडे एंड मैं तो स्कूल से आ चुकी हूँ एंड अभी हम लोग गए थोड़ी देर पहले ऊपर, आप देख सकते हैं बाहर रात हो चुकी है, रात हो चुकी है मतलब 7:30 हो रहे हैं एंड अभी हम ऊपर गए तो हम नीचे आ चुके हैं एंड आपको आवाज़ आ गई होगी दादी, क्योंकि दादी भी पूजा कर रहे हैं, आपको दिखाती हूँ जाकर। अभी मैं गई थी ऊपर दिया रखने के लिए तो वहीं से आई हूँ मैं भी एंड यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दिन में मेरे थे दाल चावल और निराक्ष कह रहा है अभी ट्यूशन से आया है वो, तो वो कह रहा है कि उसको दाल चावल खाने, जैसे अब भी आपको पता है कि निराक्ष की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है तो मम्मी उसको मना कर रही कि मत खा दाल चावल। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं और निलाक्ष दोनों ही गुस्से में हैं क्योंकि मुझे निलाक्ष पर गुस्सा आ रहा है और निलाक्ष को मुझ पर गुस्सा आ रहा है। उसकी वजह यह है कि निलाक्ष को खाने हैं दाल चावल और मैं इसको दाल चावल दे नहीं रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है, तो मैंने कहा इससे तो दूसरी चीज़ को खा ले, रोटी सब्जी खा ले या दूध पी ले या फ्रूट्स खा ले, क्योंकि इसके पेट में हो रहा था दर्द तो मैंने कहा शाम को तो दाल चावल खाना ठीक नहीं है। तो अभी इसको मनाती हूँ, देखती हूँ क्या खाने को मानेगा और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।